घोसी उपचुनाव में नतीजों के साथ ही एनडीए में शामिल सहयोगी दलों की टिकटों और सरकार में भागीदारी को लेकर मोल भाव करने की हैसियत घट गई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल अपनी ढपली अपना राग अलापने में लगे हैं। दूसरी तरफ घोसी की जीत के बाद से एनडीए गठबंधन में सपा का दबदबा कायम हो गया है, जो कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के वक्त पार्टी का मजबूत आधार बनेगा। इस हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, जो कि यूपी में मिशन 80 की रणनीति पर काम कर रहा था, उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करके उस पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 80 के लिए यूपी में एनडीए में शामिल सहयोगी दल अपना दल, निषाद पार्टी और हाल ही में फिर से एनडीए का हिस्सा बनी सुभाषपा अपने अपने वोट शेयर के हिसाब से लोकसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे के लिए भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति के तहत काम कर रहे थे, मगर घोसी की हार के बाद से इनका कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा। फिलहाल बदली हुई रणनीति के तहत भाजपा किसी भी नई ज्वाइनिंग पर फूक फूक कर कदम रख रही है। खासतौर पर विपक्षी विधायकों के मामले में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। घोसी नतीजों के बाद भी कुछ विपक्षी विधायक लगातार भाजपा के संपर्क में हैं, मगर उनकी ज्वाइनिंग का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे, उससे साफ जाहिर है कि वो हार का पूरा ठीकरा भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। चुनावी मौसम वैज्ञानिक के तौर पर अपने उल्टे सीधे बयानों से भाजपा को असहज करने वाले पीआर का चाचा ओम प्रकाश राजभर का करेजा फाड़ बयान अब उनके सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता दिख रहा। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी हर मंच से ये बोलते सुने जा सकते हैं कि निषादों का पूरा वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला, लेकिन दारा सिंह चौहान की दलबदरू छवि और सहयोगी दलों के नेताओं के बड़बोले बयानों के चलते हार का मुंह देखना पड़ा। इस बयान का सीधा मतलब है कि निषाद वोटों पर उनका ही वर्चस्व है, मगर बाकियों की गलती के चलते हार का मुंह देखना पड़ा। नए नए सहयोगी बने नेताओं के बयानों से यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश नजर नहीं आ रहे। इस हार के बाद ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपने पर भी ग्रहण लग सकता है।